मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामी नारायण। टुडे इन मैथ्स डिवीजन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन, द नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन या हाउ टू राइट। ओके, द फर्स्ट वन इज 54 डिवाइड 6। ओके, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वे 54, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड। ओके, 6 इज द डिवाइजर एंड 54 इज द डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट नंबर देखना है 6 और डिविडेंड का फर्स्ट नंबर देखना है 5। फर्स्ट नंबर क्या है 5। Whenever we do the sum, first number हमें देखना है, ठीक है? तो 5 is the small and 6 is the big number, okay? तो हमें क्या करना है? We have to take two numbers, okay? In 6 table 54 will come, 6, which place 54? 6, 9's are, so write down 9 here and 54, okay? 4 minus 4, 0, 5 minus 5, 0. So your question is, question means it is, this is your answer 9 and the remainder is 0. Again, see how I will explain you again. Now the divisor is 7 and the dividend is 35, but we have to see the first number. First number is 3. 3 फर्स्ट नंबर है, तो 3 स्मॉल है, 7 से 3 स्मॉल है, तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट लेना है। तो इन 7 टेबल 35 इज इन विच प्लेस, 7 5 आर 35। सो क्वेश्चन इज 5 एंड रिमाइंडर इज, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन 8 डिवाइड 48। वापस देखो, 8 बिग डिजिट है एंड द 4 इज द स्मॉल डिजिट, तो हमें क्या करना है, 2 नंबर एक पैटर्न लेना है। तो 4 के टेबल 8 के टेबल में 48 आता है, यस 8 6 आर 48। नाउ योर क्वेश्चन इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 0। यस, हियर यू हैव टू राइट 9 5 and 6. Now the next one is, देखो वापस, सिंगल डिजिट देखेंगे तो 3 is the small number and 6 is the big number. So in 6 table 30 is in which place? 6, 5 are 30. 0 minus 0, 0, 3 minus 3 is 0. Now question is 5 and the remainder is 0. So put it here 5. Now next one is 18. In 3 table 18 is in which place? 3, 6 are 18. Question is 6 and the remainder is 0. Now next one, 9 divide 81. 9's are 81. Question is 9 and the remainder is 0. Okay student, this one you have to write the continue. Yeah, आपको continue आपकी notebook में complete करना है. Okay, in your maths notebook.